Assalamualaikum everyone, marhaba, back to my world Hurrain's cookbook. Umeed hai aap sab khair aur aafiyat se hoge. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and click on the bell icon for daily notifications. To chalein dekhte hai cookbook ki next magical recipe. Cookbook recipe number 7, Shahi Rice Kheer. To chalein jaldi se ingredients dekh le. मैंने यहाँ स्क्रीन पे सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स डाल दी है, बहुत सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है 300 ग्राम्स, को अच्छे से कुक कर लिया है। कुक बासमती राइस, 1/2 kg खोया, 1/2 ग्लास शुगर एंड 4 to 5 कार्डमम्स, इन सबको प्रोसेसर में डालकर मिक्स कर लेंगे और मैंने ऐसा स्मूथ पेस्ट बना लिया इनका। तो चले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला। यहाँ मैंने पैन ले लिया है। सबसे पहले हम 2 to 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और फिर मेल्ट कर लेंगे सारा लो फ्लेम पर। और फिर हम बादाम, काजू और पिस्ते का पाउडर बना लेंगे। अब मैंने इसका पाउडर बना लिया, अब ये भी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे घी के साथ। जैसे ही अच्छे से भून जाए, हम अभी उसमें पेस्ट ऐड कर लेंगे जो हमने बनाया है, बासमती राइस, खोया और शुगर वाला, वो ऐड कर लेंगे। और ये पेस्ट को आप फाइनली नहीं बनाना, बस ऐसे ही रखना जैसा मेरा कंसिस्टेंसी है। उसको थोड़ा सा सॉर्ट कर ले, फिर जैसे ही ये सॉर्ट हो जाए, हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे 1 कैन। आप इसे स्टेयर करते रहें, नीचे लग जाएगा वरना। और जैसे ही सॉर्ट हो जाए, हम 2 लीटर्स मिल्क ऐड करेंगे इसमें। मैंने अभी ये 1 लीटर मिल्क ऐड किया। 2 लीटर मिल्क ऐड हो, जैसे ही सारे कंबाइन हो जाए, अब इसको हाई फ्लेम पे छोड़ दे बॉइल्स के लिए। जैसे इसका फर्स्ट बॉइल आ जाए, हम इसको लो फ्लेम कर देंगे। तो इसका फर्स्ट बॉइल आ गया था, तो मैंने लो फ्लेम कर दिया और इसको हम लो फ्लेम पर तब तक बनाएंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। आप इसको स्टेयर करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। अभी हम इसका बॉईल का वेट करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो गई है और इस पर मलाई बनना भी स्टार्ट हो गई है। और आप इसे 100% फुल फैट बफेलो मिल्क ही लेना, तब आपका वो जो खीर का टेस्ट है ना, बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैंने ज़ाफ़रान भी ऐड किया है, वो मेरा पार्ट मिस हो गया वीडियो का, लेकिन आप इसमें ज़रूर ऐड करें। और जैसे आपकी मलाई बनना स्टार्ट हो जाए, आप उसी में वापस से मिक्स करते रहें। तो हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी है सर्व करने के लिए, बस इसका ठंडा होने का इंतज़ार है, फिर हम सर्व कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत मज़ेदार। चलिए फिर मिलते हैं अगली मैजिकल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मा सलामा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और आप भी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़ायकेदार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।